एक लेंस लिया ऐसे, यह एक लेंस है, सब उत्तल लेंस है, इसका भी हमने कटिंग किया ऐसे, इसका हमने कटिंग कर दिया है ऐसे, ध्यान देना और समझना है। अगर इसका फोकस एफ है, नहीं दोनों का फोकस कितना हो रहा है, टू वेब, अभी अभी हमने सत्यापन किया इसका, इसका फोकस है, तो इन दोनों का फोकस कितना हो रहा है, टू वेब हो रहा है। आगे चलते हैं, इन दोनों लेंसों को हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने का एक क्या तरीका है, इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं या हम इन लेंसों को ऐसे जोड़ सकते हैं, एक लेंस ऐसे और एक लेंस ऐसे, ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसका भी फोकल है 2f है, इसका भी फोकल है 2f है, या एक कॉम्बिनेशन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे दोनों का 2f है, इसका भी 2f है और इसका भी क्या है 2f है। हमने एक लेंस लिया और उस लेंस का अभी अभी हमने वर्टिकली कटिंग किया, तो हमें जो दो लेंस प्राप्त हुए उनका फोकल लेंथ पहले लेंस का डबल आ रहा है 2f 2f 2f। इस तरह से अब हमने इसको सजा दिया है, अब हमें इसका संयोजन करना है, कॉम्बिनेशन करना है और कॉम्बिनेशन से रिजल्टेंट फोकस निकालना है। तो आइए हमें तीनों ही स्थितियों में हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/f1 अपॉन 1/f2 डैश प्लस होता है। वैसे से दिखाइए, इसका हम निकालने जा रहे हैं एक क्यूब है, लेंथ 1/f इक्वल है या 1/f रिजल्टेंट 1/f1 2f, फिर यहां से 1/f कितना 2f 1/f की क्यूब है लेंथ इज इक्वल टू 2/2f 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/f की क्यूब है लेंथ इज इक्वल टू 1/f m eq valid is equal to m। अर्थात कॉम्बिनेशन के बाद इसका जो इक्विवेलेंट फोकस होगा वह m होगा, इसका इक्विवेलेंट फोकस m होगा, इसका इक्विवेलेंट फोकस m होगा। फिर से फाइंड करते हैं, हमने लेंस लिया जिसका फोकल लेंथ m था, उसका वर्टिकली हमने कटिंग कर दिया और कटिंग करने के बाद हमने व्यंजक निकाला कि प्रत्येक दोनों कटिंग किए हुए लेंसों का फोकल लेंथ 2f 2f होगा, सही है। और इस 2f 2f फोकल लेंथ वाले कटिंग किए हुए लेंसों को हम कितने तरह से कंबाइन कर सकते हैं, कितने तरह से संयोजित कर सकते हैं, तो इसके लिए तीन तरीका है, ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। इन तीनों ही स्थितियों में कॉम्बिनेशन के बाद रिजल्टेंट फोकस क्या होगा, तो हम पहले से जानते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, लेंसों के संयोजन का सूत्र होता है 1/f1 + 1/f2 हमारे पास तो नहीं है, तो इसका भी फोकल लेंथ 1/2f और इसका भी फोकल लेंथ 1/2f, इस तरह से एक उदाहरण फोकस आ गया m, यानी सबका फोकल लेंथ कितना होगा f होगा। अब एक क्वेश्चन यहां आता है, आप लोग समझ गए सब लोग, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे देता है। इस पर क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि तीन लेंस दिए हुए हैं, एक लेंस दिया है इसी के कटिंग दिए हुए हैं, एक लेंस ऐसे दिया हुआ है, एक लेंस का अपना यह स्थिति एक है, दो है, तीन है और एक लेंस ऐसे दिया हुआ है, चार कंडीशन है। पूछा है चारों के फोकल लेंथ का अनुपात क्या होगा, चारों के फोकल लेंथ का अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा, सबका फोकल लेंथ लिखना शुरू करें तो क्या हो सकता है, जरा सोचेंगे, खूब ध्यान लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे क्या हो सकता है। तो इसका फोकल लेंथ कितना होता है f, कटिंग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2f, दो का पॉइंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा f, अकेले है तो क्या हो जाएगा 2f, तो आपको यहां से रेशियो मिल गया होगा 1 2
एक पैक पर दो पर एक पैक पर दो और ऐसा सब क्वेश्चन आपको कंपटीशन के प्रश्न में पूछता है, ऐसा सब क्वेश्चन दे देता है कि लेंस अगर ऐसे कटिंग करके रखते हैं तो फोकल लेंथ का अनुपात क्या होगा। तो निश्चित रूप से आप हमारी बात समझ गए हैं। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, क्या सब लोगों ने इसको समझ लिया कि अगर लेंस इस तरह से कटिंग करके नहीं दिया हुआ है तो आप उसका कंबाइंड फोकस बता सकते हैं, सिंगल भी फोकस है, इसका सिंगल पूछा जाए तो टू एफ टू एफ कंबाइंड फोकस एफ, और जब दो लेंस एक साथ रखे गए हो तो हम कभी भी सिंगल की चर्चा नहीं करते, हम हमेशा कंबाइंड की चर्चा करते हैं। इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से फोकस एफ आ गया, इसका संयुक्त फोकस एफ होगा, इसका भी संयुक्त फोकस एफ होगा, लेकिन इसमें तो ये नहीं है तो इसका अपना फोकस टू एफ होगा, इसमें कंबाइंड में आ जाएंगे एफ होगा, इसके सिंगल में आ जाएंगे इसका कितना हो जाएगा टू एफ, और इस तरह से अगर हम रेशियो निकालें तो इसका अपने सामने है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो निश्चित रूप से बना लेंगे। अभी हम लोग कटिंग कर रहे थे लेंसों का वर्टिकली कटिंग, आइए जरा हम इसका हॉरिजॉन्टल कटिंग करके दिखाएं आपको। और पहले वीडियो में हमने एक बात की चर्चा की थी हॉरिजॉन्टल कटिंग की, हॉरिजॉन्टल कटिंग में देखते हैं हॉरिजॉन्टल कटिंग क्या है। यह एक लेंस है, यह क्या है लेंस है, यह एक लेंस है और इस लेंस का हॉरिजॉन्टल कटिंग हमको करना है। तो हॉरिजॉन्टल कटिंग ऐसे किया जाता है, यह इसका मेन एक्सिस हो गया और मेन एक्सिस हो गया तो इसको हम बांट देंगे, काट सकते हैं ऐसे 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 ऐसे, हमने इसको हॉरिजॉन्टल कटिंग किया यानी मुख्य अक्ष के समांतर कटिंग किया, क्षैतिज काट दिया इसको। तो काटने के बाद हमें इस तरह का लेंस प्राप्त होगा, ऐसे एक लेंस का टुकड़ा या भी हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे हल्का सा हो सकता है और एक ऐसा टुकड़ा मिल सकता है हमें। तो हम विचार करेंगे यदि किसी लेंस को अगर हम काट देते हैं हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू एक्सिस, अगर इस तरह से अक्ष के समांतर काट देते हैं क्या होगा, इसके फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ेगा। तो हमने एक कांच लिया था, उस कांच से हमने लेंस काटा, तो कांच से जब लेंस काटेंगे तो क्या यह सोने का हो जाएगा, नहीं होगा, कांच से काटे हैं तो कांच का ही रहेगा, यानी इसका वर्तनांक है एक है नो चेंज होगा, इसका वर्तनांक नो चेंज होगा नहीं बदलेगा। अब चलते हैं जरा देखिए इसका यह है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से इधर कहीं है यहां से इधर कहीं, इधर से यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बदलने वाला नहीं है, आर इज इक्वल टू नो चेंज, रेडियस भी नहीं बदल रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं बदल रहा है, क्योंकि कटिंग हमने किया है हॉरिजॉन्टल, तो ऐसी स्थिति में ना तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बदल रहा है नहीं इसका अपवर्तनांक बदल रहा है। तो लेंस मेकर फार्मूला से 1 / ap = n - 1 1/r1 - 1/r2, इससे दोनों में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो फोकल लेंथ जो है 100% नो चेंज होगा, 100% नो चेंज, फोकल लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इस सबका फोकस ए पढ़ा जाएगा। अगर हम इसका फोकल लेंथ एफ मान लेते हैं तो पहले कटिंग का फोकल लेंथ है, दूसरे का है, तीसरे का है, चौथे का भी कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा, अर्थात फोकल लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कल हम विशेष देख पाएंगे और बोलते हैं।